गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल लर्न अबाउट इंडिया क्लाइमेट, यानी कि भारत की जलवायु। इंडिया इज होम टू वैरायटी ऑफ क्लाइमेटिक रीजंस। भारत जो है वो बहुत ही अलग अलग जलवायु का क्या है, क्षेत्र है, घर है। वी हैव द थार डेजर्ट इन द नॉर्थ वेस्ट। हम लोगों के पास थार डेजर्ट है जो कि नॉर्थ वेस्ट में है, एंड द हिमालयाज इन द नॉर्थ। और हिमालय जो है वो है नॉर्थ में। द ज्योग्राफिकल कंडीशंस क्रिएट क्लाइमेटिक डिफ्रेंसिएशन। और ज्योग्राफिकल कंडीशन जो है वो ही क्लाइमेट कंडीशन, यानी कि जलवायु अलग अलग तरीकों से क्या करता है, बनाता है। वी गेट वेदर इंफॉर्मेशन थ्रू न्यूज़पेपर्स, रेडियोज एंड टीवी। हम लोगों को वेदर यानी मौसम के बारे में इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलता है, तो जो कि न्यूज़पेपर से, रेडियो और टीवी से। अभी के टाइम में तो इतना कोई रेडियो सुनता नहीं है, बट जैसे ये हम लोग अपने फ़ोन में भी न्यूज़ वगैरह देख सकते हैं। आप लोग देखते हो कि आपके पापा या फिर दादाजी जो है टीवी पे या फिर न्यूज़ पे, न्यूज़पेपर में या फिर फ़ोन में अपने न्यूज़ वगैरह को वो देखते हैं। वी मस्ट नो दैट वेदर इज़ अबाउट डे टू डे चेंज इन द एटमोसफेयर। और हम लोग जैसा कि जानते हैं, हमारा जो वेदर यानी मौसम जो है वो दिन प्रतिदिन जो क्या होता है, चेंज होते रहता है। कभी बारिश हो जाता है, कभी धूप निकल जाती है। जैसे आप लोग देखते हो कि बारिश के मौसम में देखते हो कि कभी तुरंत से धूप रहता है, तुरंत से बारिश होने लगती है ना, तो वो चेंज होते रहता है। इट डिपेंड्स ऑन आवर टू आवर चेंज इन टेम्परेचर। और ये टेम्परेचर पे डिपेंड होता है, निर्भर होता है, क्योंकि जैसा अगर टेम्परेचर होता है उस हिसाब से क्या होता है, वेदर वैसा हो जाता है। एयर प्रेशर, रेनफॉल एंड सनशाइन। जैसे भी मैंने बताया, किसी टाइम ज़्यादा हवा चलती रहती है, किसी टाइम बारिश हो जाती है, और कभी बहुत ज़्यादा धूप होती है। जैसे अभी का मौसम आप लोग देख लो, जैसे अभी कुछ देर में बारिश होने लगती है, कभी तुरंत से धूप निकल जाती है, और फिर कभी तुरंत से क्या होती है, बहुत ज़्यादा हवा चलने लगती है। फॉर एग्जाम्पल, इट मे बी हॉट और कोल्ड, सनी और क्लाउडी, वाइंडी और काम। जैसे अभी मैंने बताया, कभी ठंड होती है, कभी गर्मी होती है, कभी बहुत ज़्यादा धूप होता है तो कभी ज़्यादा बादल घिर जाता है, कभी ज़्यादा बहुत ज़्यादा हवा चलती है, तो कभी कभी क्या होता है, पूरा से शांत मौसम होता है। तो वेदर जो है वो हर टाइम चेंज होते रहता है टेम्परेचर की वजह से। आप लोग जैसा इस फिगर में देख रहे होंगे कि घर में जो बच्चे हैं, जैसे जिसकी वो टीवी देख रहे हैं, बाहर मौसम देखो, जैसे बारिश हो रही है, हवा चल रही है, तो ऐसे ही मौसम जो है वो चेंज होते रहता है। यू मस्ट हैव नोटिस दैट व्हेन इट इज़ हॉट कंटिन्यूसली फॉर सर्वाइवल डेज, यू डू नॉट नीड एनी वन क्लॉथ। आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि जब लगातार गर्मी होती है बहुत दिनों तक, तब हम लोगों क्या होता है, गर्म कपड़ों का ज़रूरत नहीं होता है। यू ऑल्सो लाइक टू ईट और ड्रिंक कोल्ड थिंग्स। और तुम लोग जो है उस टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा ठंडी चीज़ें खाने को और पीने को पसंद करते हो। ऑन द अदर हैंड, ड्यूरिंग कोल्ड डेज, यानी कि दूसरी तरफ आप लोग देख सकते हो कि विंटर के दिनों में यू वुड लाइक टू हैव समथिंग हॉट टू ईट एंड वुलन क्लॉथ्स टू वेयर। और गर्म कपड़े पहनना पसंद करते हो और गर्म चीज़ें खाना पसंद करते हो। जैसे कि आप लोग गर्मी के दिनों में, जैसे अभी गर्मी का मौसम है, तो आप लोग इसमें आप लोगों को मन करता होगा ना, ज़्यादा से ज़्यादा आइसक्रीम खाने को मिले या फिर कोल्ड ड्रिंक मिले। हर ठंडी ठंडी चीज़ें जो है वो आपको पसंद होती है, और गर्म कपड़े आप पहनना नहीं चाहोगे क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। वैसा ही सेम चीज़ है ठंड के दिनों में, जब भी बहुत ज़्यादा ठंड होती है तो आप लोगों को क्या होता है, गर्म गर्म चीज़ें जैसे कि समोसे, पकोड़ा, ये सब आपको खाने को मन करता है क्योंकि वो सब गर्म होता है और ठंड के दिनों में ये सब अच्छा लगता है। और वुलन क्लॉथ जो कि हम लोग हमारे बॉडी को गर्म करता है, तो हम लोग ठंड के दिनों में वुलन कपड़ा पहनना चाहते हैं। द क्लाइमेट इज एन एवरेज एटमोसफेरिक कंडीशंस ऑफ एन एरिया ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। जलवायु जो है वो वायुमंडल के हर कंडीशन में क्या होता है, वो बहुत ही लंबे समय तक चलता है। जैसे कि जब भी गर्मी रहती है तो वो 3-4-5-6 महीने क्या होता है, गर्मी रहती है, फिर मानसून होती है, फिर विंटर मौसम आता है, सब
चेंज होते रहता है। इंडिया एक्सपीरियंसेस ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल टाइप ऑफ क्लाइमेट। भारत जो है वो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल हर अलग अलग तरीके के जलवायु को क्या करता है, एक्सपीरियंस किए होता है। लोकेशंस, फिजियोग्राफी, मॉनसून वाइंड्स एंड द कंट्रीज लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सचेंज अफेक्ट द क्लाइमेट। और हर मौसम जब भी चेंज होते रहता है तो क्या होता है, जलवायु को इफेक्ट करता है। नेक्स्ट देखें आगे। ब्रॉडली द मेजर सीजन्स रिकॉग्नाइज इन इंडिया आर कोल्ड वेदर सीजन, विंटर दिसंबर टू फरवरी। जैसे कि आप लोग देख सकते हो, कोल्ड वेदर सीजन यानी कि ठंड का जो सीजन होता है, विंटर सीजन, जो कि दिसंबर से लेकर के फरवरी तक रहता है। हॉट वेदर सीजन यानी कि समर, जो कि मार्च से लेके मिड जून यानी कि आधे जून तक होता है। पर ये आगे भी गर्मी इसमें होती है, लेकिन इसमें मॉनसून भी आ जाता है, जैसे कि साउथ वेस्ट मॉनसून यानी कि रेनी सीजन मिड जून टू सेप्टेम्बर, और ये जून से लेकर के सेप्टेम्बर तक रहता है। सीजन ऑफ रिट्रेटिंग मॉनसून ऑटमन अक्टूबर एंड नवंबर, और एक ऑटमन भी मौसम सीजन आता है जो कि अक्टूबर से लेकर के नवंबर तक रहता है। अब हम देखेंगे विंटर सीजन यानी कि ठंड का मौसम। द विंटर सीजन स्टार्ट्स रफली इन द मंथ ऑफ नवंबर एंड कंटिन्यूज अप टू द मिडिल ऑफ मार्च। ठंड का जो मौसम होता है वो मार्च से शुरू होकर नवंबर से स्टार्ट होकर के आधे मार्च तक होता है। ड्यूरिंग विंटर सीजन द डेज आर शॉर्टर एंड द नाइट्स आर लॉन्गर। और विंटर सीजन में यानी कि ठंड के दिनों में दिन जो है वो छोटा होता है और रात जो है वो बड़ा होता है। द कोस्टल एरियाज कंपेरेटिवली वार्म इवन इन दिस मंथ्स, और कोस्टल जितने भी एरियाज होते हैं वो बहुत ही गर्म होते हैं इन महीनों में। देयर इज हैवी स्नोफॉल इन द हिमालयस माउंटेन रेंजेस, और जो भी पहाड़ी जगह है वहाँ पे ठंड के दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है, बर्फ गिरती है। जनवरी इज द कूलेस्ट मंथ ऑफ दिस सीजन, और जैसे कि नवंबर से लेके मार्च तक के बीच में जो ठंड पड़ती है उसमें से जनवरी जो है वो बहुत ही ज़्यादा ठंडा मंथ होता है इस सीजन के लिए। साउथ इंडिया रिमेन्स कूल ड्यूरिंग द विंटर सीजन। इन द सैंडी रीजन्स ऑफ द वेस्टर्न राजस्थान इट इज कोल्ड एट नाइट ड्यूरिंग विंटर बिकॉज बेयर सॉइल कूल्स मोर क्विकली दैन सॉइल विथ वेजिटेशन कवर। और यहाँ जो भी बालुई क्षेत्र होता है वो क्या होता है, बहुत राजस्थान का वो बहुत ही ज़्यादा ठंडा हो जाता है नाइट में, और सुबह में जो है वो बहुत ही ज़्यादा ठंडा होता है, बहुत ही जल्दी ठंडा हो जाता है क्योंकि वहाँ पे जो मिट्टी होता है उससे वो कवर होता है। सो आज के लिए आप लोग इतना ही, आप लोग को नेक्स्ट क्लास में इसके आगे बताऊँगी, तब तक आप इस चैप्टर को रीड कीजिएगा। ओके।